आज के वीडियो में हम लेक्चर नंबर 22 अटेंड करेंगे, जिसमें ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी एलिमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर रिटेन है, आप देख सकते हो कि एक DFB एलिमेंट मैंने राइट किया हूँ और उसको CSS में ID सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसका विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया हूँ और ओपेसिटी 0.5 कर दिया हूँ, यानी कि जो कलर है उसका आधा कर दिया हूँ, तो इसलिए वो ट्रांसप्लेट होके दिखेगा, उसका जो बॉक्स है वो पारदर्शी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा ब्लैक कलर इस तरह के होता है, आउटपुट में आप देखिए जो रिटेन है इसका जो बॉक्स है सो पारदर्शी हो गया। तो इस तरह से हम ओपेसिटी से एलिमेंट को पारदर्शी कर सकते हैं, जिसका प्रॉपर्टी यहाँ पे रिटेन है, देख सकते हो ओपेसिटी, और उसका वैल्यू इस तरह से हम राइट करेंगे, फर्स्ट में 0 और उसके बाद आपका जो वैल्यू देना है वो दे सकते हो, क्योंकि इसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है, तो 1 में जो इसका कलर होता है वो दिखता है, 1 के जितने आप नीचे करोगे 0.9, 0.8 तो वो हल्का होता जाएगा उसका कलर। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करेंगे और भी अच्छे से जानेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप Notepad++ ओपन कर लेना और उसके बाद HTML के सारा डॉक्यूमेंट आप राइट कर लेना। उसके बाद देखिए टाइटल में मैंने ओपेसिटी प्रॉपर्टी राइट कर दिया हूँ, 2 डिव एलिमेंट यहाँ पे मैंने राइट किया हूँ और फर्स्ट वाले डिव एलिमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसका विड्थ हाइट 200 पिक्सल कर दिया और बैकग्राउंड कलर रेड मैंने राइट कर दिया हूँ। यहाँ से अब सेव करता हूँ तो देखिए इस तरह से आपको देखने में मिल रहा है, बैकग्राउंड कलर में इस एलिमेंट को रेड कर दिया हो तो वो रेड कलर में आ चुका है इस तरह से। चलिए ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो ओपेसिटी यहाँ पे राइट कर दिया, 0.5 राइट करता हूँ मैं, यहाँ से सेव करता हूँ, देखिए रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो क्या हुआ, डेव एलिमेंट का कलर पारदर्शी हो चुका है। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। चलिए इसका और भी कम करके देखता हूँ, सबसे कम कर देता हूँ, 1 किया मैंने, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए अब पीछे का जो बैकग्राउंड में व्हाइट है वो सब दिखने लगा, क्योंकि इसमें ओपेसिटी 0.1 कर दिया हूँ। तो इस तरह से हम डिफाइन कर पाएंगे। इसके बाद मैं थोड़ा और डिजाइन बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ओपेसिटी से कर पाएंगे। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ऐसे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे रिफ्रेश करा तो इस तरह के टास्क मैंने परफॉर्म किया हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक इमेज है, उस इमेज के ऊपर से मैंने डिव एलिमेंट ऐड किया हूँ और देखिए इसका ओपेसिटी मैंने कम कर दिया हूँ, तो यहाँ पे इमेज जो अंदर का वो दिख रहा है। तो इसका ओपेसिटी मैंने 5 कर दिया हूँ। अब यहाँ से ऐड करता हूँ, देखिए जैसे मैंने सेव करके यहाँ से प्रेस करा तो ये और भी डार्क हो गया, क्योंकि इसका ओपेसिटी मैंने ज़्यादा कर दिया हूँ, तो इसलिए 1 के करीब है, तो ये डार्क और भी हो गया। यहाँ पे मैं 9 करूँगा तो और भी डार्क हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से मैं 1 करूँगा तो ये फुल डार्क हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट ओपेसिटी 1 ही होता है। देखिए फुल डार्क हो गया, तो इस तरह से हम परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे 0.5 कर देता हूँ जैसे मैच दिखे। तो देखिए यहाँ से अभी मैच दिख रहा है। इसको मैंने कैसे किया, यहाँ पे एक डिव एलिमेंट राइट किया, उसमें एक इमेज को इंसर्ट कर लिया, उसके बाद जो डिव एलिमेंट है उसको राइट कर लिया, और ये जो डिव एलिमेंट का ID वैल्यू है 1, यहाँ पे मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया, विथ 100%, हाइट 300 पिक्सल और बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, और इसको पोजीशन अनलॉक करना पड़ा, तो इसलिए मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया, क्योंकि जिस बॉक्स में उसी से इसका टॉप लेफ्ट का जो वैल्यू है वर्क कर पाए, तो इसलिए मैंने टॉप लेफ्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया और ओपेसिटी 0.5 कर दिया, और जिस कंटेनर में उस कंटेनर का विड्थ 100% है और हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड व्हाइट इसका कर दिया हूँ और पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट करना पड़ेगा जिस एलिमेंट में है उसको, उसके बाद ही यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव वर्क कर पाए। इस तरह से मैंने ओपेसिटी को वर्क करा, और उसके बाद जो ये डीप एलिमेंट सब है इस पे भी मैंने टास्क परफॉर्म किया हूँ। इसी तरह से देखिए उसका वैल्यू मैं ओपेसिटी राइट कर दिया, कितना ओपेसिटी है सो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके ओपेसिटी से मैं राइट कर दिया। तो इस तरह से हम परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप ओपेसिटी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया वो आप समझ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।